बहिर्मुखी जीवन को सींचने के लिए तो सारा संसार खड़ा है, परंतु अंतर्मुखी जीवन को सींचना केवल सत्संग में ही हो सकता है। केवल सत्संग अंतर्मुखता को सींचता है, जो बहुत रेयर, बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। और जब ये उपलब्ध हो उसका सदुपयोग करना, उसके लिए अवकाश ले लेना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर दिखाई देना शुरू होता है। भले अंधेरा ही हो, सन्नाटा हो, कुछ भी ना हो, तुम देखते रहना। तुम केवल अपने स्वभाव में रहना, तुम देखने वाले हो ही रहना, जागे जागे देखते रहना। जो भी भीतर दिखाई दे रहा है अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई किसी प्रकार का भी सहारा नहीं लेना, सीधे सीधे देखना। भीतर की स्क्रीन पर, भीतर के टेलीविजन पर देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल शुरू हो जाता है, मन माया का विस्तार, और या फिर भाव दशा का। तड़पन, विरह, जीवन की जो परम संपदा है उसका उद्घाटन होने लगता है। जो भी स्थिति तुम्हारे समक्ष आए तुम देखते रहना। देखने मात्र से जो जो गैर जरूरी है, जो जो नहीं चाहिए, वो सब विदा होता चला जाता है, अपने आप विसर्जित होता जाता है, अपने आप रूपांतरित होता चला जाता है, सब अपने आप होता चला जाता है। भीतर की यात्रा पर तुझे कुछ करना नहीं, तुझे नए करने की स्थिति में उतर जाना है। नॉन डूइंग में नॉन डूअर हो जाना है, अकर्ता हो जाना है, साक्षी, दृष्टा, सीयर, विटनेस, भीतर का, यही तेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहना ही शांति है, आनंद है, मस्ती है, खुमारी है। मेडिटेशन तुझको अपने स्वभाव की, अपनी सुरती की याद दिलाता है, तुझे अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थित कर देता है, तुझे देखने की कला प्रदान करता है। इस कला में उतरते ही तुम कृतकृत्य होने लगते हो, तुम अपने केंद्र, अपने स्रोत को पहचानने लगते हो, तुम अपनी विराट में उतरने लगते हो, तुम अपने परम पितु को मिलने की तमन्ना में, आरजू में, उसकी प्यास में उतरने लगते हो, जो अत्यंत आनंददायी है। देखते रहना, लगातार देखते रहना, जागे रहना, अपनी सुरती,
अपनी होश में रहना। जो जो देखने की इस कला में उतरते चले जाओगी, जो जो तुम जागते चले जाओगे भीतर की ओर, तुम स्वस्थ पूर्ण होते जाओगी, तुम शक्तिवान होते चले जाओगी, तुम सुपूर्ण तरोताजगी के भंडार होते चले जाओगी। बहुत क्लैरिटी, शार्पनेस, कॉन्सेंट्रेशन, विल पावर के मालिक होते चले जाओगी। सब मानवीय व दैवी गुणों का भंडार तेरे भीतर है, हृदय द्वार पर। जब चाहो भीतर उतर करके उपलब्ध कर लेना, तेरे हाथ में है। ये हक तेरा है, ये अधिकार तेरा है, ये प्रिविलेज तेरा है। जब चाहो अपनी सदगुणों की पिटारी को खोल करके मालोमाल हो जाओ। जब चाहो तुम जीवन के मालिक होकर के इस धरती पर जियो। ये तुम्हारे हाथ में है। तनिक मात्र भी किसी अन्य के हाथ में नहीं, तेरी संपदा तेरे हाथ में प्रभु ने थमाई है। हर एक इंसान के अंदर वो महान संपदा का भंडार, संपदा का शिखर प्रभु ने रख दिया जन्म के साथ। और इतना ही नहीं, वो स्वयं हम सब के भीतर बैठ करके आया है। वो स्वयं उस संपदा को लेकर के बैठा है और तुझको बार बार पुकारता है, बार बार तुझको प्रेम पाती भेज रहा है, बुला रहा है। वो नहीं देख सकता अपनी संतान को भटकते हुए, वो नहीं देख सकता अपनी संतान को दुखी जीवन जीते हुए, वो दुखों में नहीं देख सकता तुझको। अपने कर्म फल भोग में तो कितना भी दुखी हो, वो नहीं देख सकता। वो तुझको सदा सदा के लिए मालोमाल कर देना चाहता है, तुझको जीने की महान कला दे देना चाहता है, वो तुझको सदा सदा के लिए कृतकृत्य कर देना चाहता है। एक बार उसकी और आंख खोल करके देख लेना, उससे प्रेम की रीत निभा लेना, उसके साथ प्रेम का नाता जोड़ के देख लेना, उसके प्रति थोड़ा मुड़ करके देख लेना, इतना ही काफी है। वो भी तुम अपने लिए कर लेना, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए कर लेना। प्रभु को तो तुम बिल्कुल ना भले चाहना, परंतु तुझे शांति तो चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वो तो तुझे चाहिए, जो उसी के द्वार से मिलेगा, जो तुझको अपने भीतर के द्वार से मिलेगा, जो तुझको अपने हृदय द्वार पर रखा मिलेगा। मन बहुत डबल डीलिंग करता है, मन बहुत मुंह खोटा लगा के चलता है, मन बहुत दो मुहा सांप बन के चलता है, मन हर प्रकार की माया फैलाता है तेरी मेडिटेशन को तोड़ने के लिए, तेरे ध्यान को खंडित करने के लिए, तेरी सुरती खंडित करने के लिए वह हर चाल चलता है। सब पॉलिटिक्स खेलता है माइंड, माइंड से बड़ा पॉलिटिशियन आज तक इस धरती पर कोई नहीं हुआ। मन तेरी सुरती को, तेरी मेडिटेशन को, तेरी होश को चुराता चला जाता है। वो नहीं चाहता कि तुम भीतर आओ, वो नहीं चाहता तुम अंतर्मुखी हो,
वो नहीं चाहता तुम मालिक बन के जियो, वो नहीं चाहता तुम जाग करके जियो। तुम्हारा ऐसा होने में मन की मौत है, वो अपनी मौत नहीं चाहता, वो अब तेरा दास तेरा सेवक बनकर के नहीं चाहता रहना, वो तेरे इशारे पर नहीं बल्कि अपने इशारे पर तुझको नचाना चाहता है। जो अब तक हो रहा है वैसा ही चाहता है, परंतु उसे मालूम नहीं कि अब तेरा कहना नहीं माना जाएगा। अब सत्संग साधना की महान लहरों में डूब करके रे मन तेरी चाल नहीं चलेगी, तूने बहुत चला ली, तूने बहुत राज कर लिया, तूने बहुत मालकियत झूठी झूठी जता लिया, तूने बहुत भटका लिया मुझको, अब और नहीं, अब तेरी आदतों में नहीं, अब तेरी करनी में मैं नहीं आऊंगा, मैं तुझे कहूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत कमजोर हूं मैं, अभी तो तू ही मजबूत, तू ही बहुत मजबूत होके खड़ा है, अभी तो मैं तेरे हाथ से लुटा हूं, अभी तो मैं बहुत हिप्नोटाइज्ड हुआ हूं, सम्मोहित हुआ हूं तेरी गोदी में बैठ करके, तूने बहुत बहुत आकर्षणों में फंसाया है, तूने बहुत बहुत लालच लोभ दे करके मुझको हिप्नोटाइज्ड किया है। रिमाइंड ओ मन, अब और नहीं, बहुत जन्म खा गया है तू मेरे, बहुत जन्मों से मैं तेरे हाथों लुटा हूं, अब मेडिटेशन की महान बहारों में मैं तुझसे स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं अपना आप जीना चाहता हूं, मैं जैसा हूं वैसा होकर के जीना चाहता हूं। ये डिटर्मिनेशन, ये संकल्पवान स्थिति एक दिन तुझको मन के पार ले जाती है। जागे रहना, मन के प्रति जागना, पड़ोसियों के प्रति दूसरों के प्रति, बाहर तुम खूब जागे हो, बहुत होशियार हो, बहुत सावधान रहते हो, परंतु अपने ही मन के हाथों लुटे हो, अपने ही मन के हाथों बर्बाद हुए हो, धोखे फ्रेब कपट में खूब लुटे हो। अब इस मेडिटेशन में अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, जो बीत गई सो बीत गई, उसकी फिक्र ना करना, जो बाकी तेरे हाथ बची है बस उसी का जिक्र करना, उसी को सदुपयोग, में उतार लेना, उसी का सदुपयोग कर लेना, उसी को अपनी स्वतंत्रता परम स्वतंत्रता के महान शिखरों में उपयोग कर लेना। लगातार जागे रहना, गुरुवे नमः।